सो भाई अभी उतारे R15 वर्जन 4 जो कि एकदम प्रीमियम और नया कलर ऑप्शन आया था यामा की तरफ से, जो कि नया नया कलर ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों को पसंद आया था ये कलर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे उतना खास नहीं लगा। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप देख पा रहे हैं बाइक जो है ऐसी उतारी जाती है ट्रक से, और बाइक जो है बबल सीट के साथ में आती है रैपिंग होकर, ताकि बाइक में कोई स्क्रैच ना आए। फुली सेफ्टी के साथ में आती है बाइक। और ये जो कलर ऑप्शन है दोस्तों गोल्डन कलर है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन जो है कंपनी ने यहाँ पे से दिया हुआ है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगता है। वर्जन 4 का ये गोल्डन कलर है, देख पा रहे इजली भाई लोग उतार लेते हैं इस बाइक को, क्योंकि R15 का आपको पता है वेट ज़्यादा नहीं है। R15 में भी ज़्यादा वेट नहीं है, MT में भी ज़्यादा वेट नहीं है, और लाइट वेट होने की वजह से इस बाइक को आसानी से उतारा जाता है। बाकी कलर आप देख पा रहे हो कितना बेहतरीन कलर है, ये कलर ऑप्शन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगता है ये कलर ऑप्शन कमेंट करके बताओ। और देख पा रहे इसकी जो अलावील है वो आपको गोल्डन में देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको R15 की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको गोल्डन में देखने को मिलती है। काफ़ी प्यारा कलर है यामा की तरफ से। ठीक है, और देख पा रहे इसका जो टेल लाइट है वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओवरऑल बाइक जो है सेम आती है हर जगह से, बस आप लोगों को जो कलर ऑप्शन है उसी का आपको डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। फ्रंट लुक आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का इसका फ्रंट लुक आता है। पर्सनली फ्रंट लुक भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं यार। बाइक बहुत प्यारी है, यू कैन सी कितनी प्यारी लग रही है इधर से। वो वर्जन 3 है, वर्जन 4 है। आपको वर्जन 3 यानी कि R15S वर्जन 3 वो ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी अनलोडिंग वाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।